वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग हिंदी साहित्य के साहित्यकारों की रचनाओं को देख रहे थे, जिसको मैंने कोडिंग करके रखा है एक छोटा छोटा सेंटेंस बना के। इसमें आज की कड़ी में हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र और फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाओं को देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जैनेन्द्र की प्रमुख रचनाओं को। जैनेन्द्र पूर्वोदय में गांधी नीति को परख कर अपनी पत्नियों सुनीता और कल्याणी के पाजेब से त्याग पत्र कर विवर्त सुखदा का मंथन कर रहे हैं। फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। जैनेन्द्र पूर्वोदय में गांधी नीति को परख कर अपनी पत्नियों सुनीता और कल्याणी के पाजेब से त्याग पत्र कर विवर्त सुखदा का मंथन कर रहे हैं। इनकी रचनाएँ सारी इसी में लगभग जो महत्वपूर्ण है समाहित हैं। हम लोग देखेंगे जैनेन्द्र पूर्वोदय में, पूर्वोदय इनकी प्रमुख रचना है। जैनेन्द्र पूर्वोदय में गांधी नीति को परख कर, गांधी नीति इनकी प्रमुख रचना है, परख इनकी एक रचना है। अपनी पत्नियों सुनीता और कल्याणी, सुनीता और कल्याणी इनकी प्रमुख रचना है। के पाजेब से त्याग पत्र कर, पाजेब इनकी प्रमुख रचना है, त्याग पत्र इनकी प्रमुख रचना है। विवर्त सुखदा का मंथन कर रहे हैं, विवर्त सुखदा और मंथन इनकी प्रमुख रचना है। इस तरह से जैनेन्द्र की हम लोग कुछ प्रमुख रचनाओं को देखे हैं, पूर्वोदय, गांधी नीति, परख, सुनीता, कल्याणी, पाजेब, त्यागपत्र, विवर्त सुखदा और मंथन इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसी कड़ी में हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाओं को देखेंगे, जिसको मैंने एक सेंटेंस में रखा है, काफ़ी अच्छा है। एक दो बार आप देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। मैल की परत जब दीर्घ हो जाती है, ध्यान से सुनेंगे, मैल की परत जब दीर्घ हो जाती है तब लाल पान की बेगम तीसरी कसम खाकर पंच लाइट लगाकर रेणु की रस प्रिया बन गई। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। मैल की परत जब दीर्घ हो जाती है तब लाल पान की बेगम तीसरी कसम खाकर पंच लाइट लगाकर रेणु की रस प्रिया बन जाती हैं। हम लोग देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाओं को। मैल की परत, मैल मैला आंचल, परत परती परिकथा, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है। मैला आंचल और परती परिकथा, मैल की परत, मैल से मैला आंचल और परती से परती परिकथा। मैल की परत जब दीर्घ हो जाती है, दीर्घ तपा इनकी प्रमुख रचना है, सिर्फ मैंने उसमें दीर्घ लिया है, दीर्घ तपा। मैल की परत जब दीर्घ हो जाती है तब लाल पान की बेगम इनकी पूरी रचना है, लाल पान की बेगम। तीसरी कसम खाकर, तीसरी कसम इनकी रचना है। पंच लाइट लगाकर, पंच लाइट इनकी रचना है। रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु की बात कर रहे हैं हम लोग, उनकी रचनाओं की चर्चा कर रहे हैं, इस नाते यहाँ पर मैंने रेणु रख दिया है। पंच लाइट लगाकर रेणु की रस प्रिया बन जाती हैं, रस प्रिया इनकी प्रमुख रचना है। इस तरह से हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाओं को देखे हैं। मैल की परत जब दीर्घ हो जाती है तब लाल पान की बेगम तीसरी कसम खाकर पंच लाइट लगाकर रेणु की रस प्रिया बन जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग जैनेन्द्र और फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाओं को देखें। एक बार सेंटेंस को हम फिर से रिवाइज कर देना चाहेंगे। जैनेन्द्र पूर्वोदय में गांधी की नीति को परख कर अपनी पत्नियों सुनीता और कल्याणी के पाजेब से त्याग पत्र देकर विवर्त सुखदा का मंथन कर रहे हैं। और दूसरा हम लोग देखें फणीश्वरनाथ रेणु का, इनमें देखें हैं कि मैल की परत जब दीर्घ हो जाती है तो लाल पान की बेगम तीसरी कसम खाकर पंच लाइट लगाकर रेणु की रस प्रिया बन जाती है। थैंक यू।